हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू कुंफू स्कूल। आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं क्लोज फाइट। आप नज़दीक से नज़दीक कैसे आप लोग अटैक कर सकते हैं, कोई भी आप मान लीजिए कोई थप्पड़ मार दिया आपको, उससे आप कैसे बच सकते हैं, साथ में अगर कोई ऐसे आपको धक्का दे रहे हैं ऐसे कैसे बच सकते हैं, ये पूरा का पूरा टेक्निक्स ये इस वीडियो में हम लोग सिखाएंगे। तो इस वीडियो को एकदम स्किप मत कीजिएगा, पूरा का पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि आप लोगों को बहुत काम आने वाला है ये चीज़। आप लोगों के कहीं ना कहीं आप लोगों के साथ तो होता ही रहता होगा, तो इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए और टेक्निक्स पूरा का पूरा सीखिए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग फर्स्ट जो टेक्निक है, मान लीजिए अभी किसी ने आपको ऐसे धक्का दे रहे हैं, ऐसे ऐसे धक्का धक्का देता है ना, तो ये धक्का दे रहे हैं, तो उस टाइम आपको ज़्यादा उसको मारना नहीं है, खाली उसको आपके पास से उसको हटा देना है। वो टेक्निक सिखाएंगे आप लोगों को। आप लोग गांव में कहीं भी जाए तो ऐसा होता ही रहता है, कुछ भी झगड़ा हो जाए तो पहले आके आदमी ऐसे धक्का ही देता है, तो उससे कैसे बचना है ये एक कुंफू मूव्स है जो आप लोग को यहाँ यूज़ करना सिखाएंगे। जो आप लोग टेक्निक्स भी है वो जो आपको काम आएगा, तो ये स्लो करके दिखाते हैं, आप लोग पूरा दिखेगा और कैसे गिराना है और कैसे मारना है वो भी स्पीड से तो आप लोग दिखा दिया, अभी स्लो करके दिखाएंगे, पूरा ध्यान से देखना है, क्योंकि और आप लोग देखने के बाद आप लोग डेली प्रैक्टिस किया कीजिए, नहीं तो आप लोग ये कर नहीं पाएंगे। इसमें ध्यान में तो आप लोग रहेगा नहीं, क्योंकि आप लोग को याद रहेगा लेकिन कैसे यूज़ करना है ये आप सब कर नहीं पाएंगे। इसलिए कोई आपका एक पार्टनर ढूंढ लीजिए और उसके साथ डेली आप वीडियो देखिए और डेली उसका प्रैक्टिस कीजिए, तो उस टाइम क्या होगा, आप कहीं भी कुछ हो गया तुरंत आपका याद आ जाएगा, तुरंत आप उसको वहाँ अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो आप लोग कर नहीं पाएंगे, आपका याद रहेगा लेकिन आप मान नहीं सकते। इसलिए डेली प्रैक्टिस किया कीजिए तो और वीडियो को ध्यान से देखा कीजिए। तो शुरू करते हैं पहला जो टेक्निक्स है, ये तो होता ही रहता है, मान लीजिए ऐसे धक्का देता है ना कोई ऐसे आदमी आके ऐसे आपको धक्का देता है पीछे की तरफ, तो उस टाइम आपको क्या करना है, तो ऐसे कोई ऐसे धक्का दे रहा है तो एक दो बार दे दिया, ठीक है, तीन बार आप ऐसे देने को आ गया, तो इससे हम क्या करना है, आपका जो ये पैर है थोड़ा, ये जो पैर है दाहिना पैर जो आपका बंसा है वो पैर आपको पीछे की तरफ लेना है। पीछे की तरफ लेने से वो धक्का देने आप पीछे की तरफ ज़्यादा इसको फोर्स नहीं आएगा, तो ऐसे ज़्यादा पीछे की तरफ आप जाएंगे नहीं। तो अभी धक्का देने से मैं रुक गया, रुकने के बाद ये दोनों हाथ जो खाली है इसे अंदर की तरफ ऐसे करना है, अंदर की तरफ घुसा के इसको निकाल देना है, ये अंदर की तरफ ऐसे करके ये दोनों जो हाथ है उसको बाहर की तरफ ऐसे ये दोनों हाथ ऐसे बाहर की तरफ ऐसे खुल देना है, तो तुरंत खुल जाएगा। तो उस टाइम आपको क्या करना है, खुल जाने के बाद इस हाथ को यहाँ पकड़ लेना है, देने के बाद इसको थोड़ा आगे करना है, दाहिना पैर को थोड़ा आगे तुरंत करना है, स्पीड करना है, और इसको बाएं पैर को और थोड़ा यहाँ तक लाना है। लाने के बाद ये जो आपका है ये इसको यहाँ पे लगाना है, या यहाँ पे भी ऐसे भी लगा सकते हैं, ये जगह लगाने के बाद इसको किसी की तरफ धक्का देना है, ये धक्का दे दिया, देने के बाद आपको और थोड़ा आगे जाना है, थोड़ा सा आगे जाना है, वो एम्बुलेंस हो जाएगा ना, तो आप जब धक्का देंगे तो तुरंत करना है ये सब काम, ऐसे जाना है, देने के बाद ये इस पैर को यहाँ लगाना है, इस पैर के इसमें और ये हाथ को यहाँ से घुसा के ऐसे पकड़ लेना है, जोर से पकड़ने के बाद इसे खींच देना है, खींचने के बाद ये तुरंत गिर जाएगा, जान के बाद आप कुछ भी मारिए, कुछ भी कीजिए, ये आपकी मर्जी। तो ऐसे होता है, तो ये है फर्स्ट नेगेटिव, जो आप लोग ध्यान से वीडियो को धीरे धीरे करके आप लोग देखिएगा तो आराम से सीख जाएंगे। तो आप आते हैं दूसरा टेक्निक्स के बारे में। आप लोग पता है जब भी कुछ भी होता है तो पहले थप्पड़ ही मारता है आदमी, उस थप्पड़ से आपको कैसे बचना है तो ये सिखाएंगे, तो ध्यान से देखिएगा क्योंकि आप लोगों को बहुत काम आने वाला है। तो कभी कुछ होता है थप्पड़ मार देता है, तो उस टाइम आपको कैसे बचना है और उसको भी कैसे मारना है ये दिखाएंगे टेक्निक। तो देखिए ऐसे मार दिया थप्पड़, ऐसे थप्पड़ मार दिया, उस टाइम क्या करेंगे आप, ज़्यादा से ज़्यादा ये करेंगे, ऐसे मार दिया, ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे करेंगे, इस थप्पड़ को ऐसे लग गया, उसके बाद आप पीछे हो जाएंगे, वो भी मार देगा, लेकिन मारने का चांस देना नहीं है, उसको तुरंत ही उसको वहीं पे उसको काबू करना है उसको ही। तो इसको क्या इस टाइम आप लोगों को क्या करना है, अभी थप्पड़ ऐसे आ गया तो ये बाएं हाथ जिस हाथ से आया, अगर दाहिना हाथ आएगी तो दाहिना हाथ से, बाएं हाथ आ गया तो दाहिना हाथ से ब्लॉक, इस हाथ से आएगा तो जो हाथ आपकी इस साइड में रहेगा जिस से थप्पड़ मारेगा उस साइड से रहेगा, तो उससे हाथ को ब्लॉक करना है, ब्लॉक ऐसे ब्लॉक करना है, ब्लॉक करने के बाद ये हाथ भी यहाँ पर लेने जाना है, तब क्या होगा आपको ये इस हाथ से मारने से भी आप ये ब्लॉक कर सकते हैं, यहाँ से मार सकते हैं,
इसीलिए ये दोनों हाथ को ऐसे लेके जाना है, दोनों हाथ से ब्लॉक। तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आदमी रहेगा तो एक हाथ से आप रोक भी नहीं सकते, तो उस टाइम में दो हाथ का आपको काम आएगा। इसलिए ऐसे कोई मान से ये दो हाथ से ब्लॉक आपका फुल ब्लॉक हो जाएगा, आपको लगा नहीं पाएगा। इस हाथ से ऐसे रहेंगे तो कहीं भी आप ब्लॉक कर सकते हैं। ऐसे कर दिया, करने के बाद आपको करना क्या है, इसको ये बाएं जो हाथ है यहाँ पे पकड़ लेना है। लेने के बाद ये जो दाहिना हाथ है यहाँ पे मारना है। मारने के बाद ये ऐसे हो जाएगा। मारने के बाद ये जितना जोर से आपको एक दबाना है, दबाइए, हाथ टूट भी सकता है लेकिन ज़्यादा जोर से दबाना नहीं है, खाली ऐसे दबाना है, नीचे की तरफ ऐसे दबाना है। दाने बने ये जो निकिक है यहाँ पे आप मार सकते हैं, दो तीन बार मारिए, उसके बाद आप इसको गिरा भी सकते हैं। दो तीन बार मारते तो ऐसे ही गिर जाएगा, तो आप ऐसे गिरा सकते हैं। ये हो गया आपको थप्पड़ मारने से कैसे बसे उसका टेक्निक्स। अभी हम लोग सिखाएंगे आप लोगों को तीन नंबर टेक्निक्स। ये भी एक कुंफू मूव से है लेकिन आप लोगों को इसको कैसे यूज़ करना है ये सिखाएंगे। ये टेक्निक्स का भी काम आएगा तो ये सिखाएंगे, तो ध्यान से देखिएगा। तो मान लीजिए कोई ऐसे आप लोगों को ऐसे पंच कर रहा है, आके जैसे ऐसे तो मारता ही है, गांव में जब फाइट होता है तो उस टाइम मारना है। मैं ये सब आप लोग को ये सिखाता हूँ, कोई स्पोर्ट्स का नहीं सिखा रहा हूँ, स्पोर्ट्स का अलग सिस्टम है इसका। स्पोर्ट्स में अगर कुंफू टाइकंडो ये सब आप लोग खेलने जाएंगे तो उसका रूल्स अलग है, उसका फाइटिंग अलग है। ये मैं स्ट्रीट फाइट सिखा रहा हूँ, कहीं रोड पर हो गया, गाँव पर हो गया, कैसे बचना है, जो आप लोग का प्रैक्टिकल आप लोग काम में आएगा वो सिर्फ इस वीडियो में मैं सिखा रहा हूँ, इस चैनल में यही सिखा रहा हूँ। अगर आप लोग चाहते हैं, आप स्पोर्ट्समैन हैं मार्शल आर्ट्स के बारे में, अगर और जानना चाहते हैं स्पोर्ट्स के बारे में, कैसे गेम में खेलना है उसके बारे में अलग से वीडियो बना दूंगा। अभी ये हम लोग स्ट्रीट फाइट के बारे में सिखा रहे हैं। तो ये हो गया पंच, ये पंच ऐसे मार दिया, तो उस टाइम आप लोगों को करना क्या है, इस हाथ से ब्लॉक करना है। मैं ये अलग सा स्टाइल है तो आपको ये पे आगे रखना है। अभी पंच कर दिया, इस हाथ से ब्लॉक, उस साइड से मन से इस साइड से ब्लॉक कर सकते हैं, मतलब एक हाथ से आपको कंट्रोल करना है पूरा का पूरा। तो अब हम कुछ अलग करेंगे, आप देखिएगा, ये ब्लॉक कर दिया, उसके बाद वो उस हाथ से इस साइड से ब्लॉक, जैसे ये हो गया, ये ब्लॉक हो गया। उसके बाद इस हाथ को यहाँ पकड़ना है, इस हाथ को यहाँ, ये जो खाली इसीलिए रखा हूँ खाली, इसमें भी मैं ब्लॉक कर सकता था लेकिन यह नहीं, क्योंकि इसको खाली रखना है, इसको काम में आएगा। फिर से ये हाथ यहाँ आ गया, इस हाथ से आ गया, ये इस साइड फिर ब्लॉक कर देना है और इस हाथ को यहाँ पकड़ लेना है। लेने के बाद थोड़ा सा आगे जाना है, इसे जाने के बाद ये जो आपका है ये यहाँ लगाना है, तो जो उसे धक्का दे देना है, ये कुंफू स्टाइल है, एक तो ऐसे धक्का ऐसे जोर से देंगे तो वहाँ तक गिर सकता है। लेकिन आप उसको मारना चाहते हैं, मतलब उसको मारना है, उसको ज़्यादा, अगर ये पहला जो दिखाए हैं वो है कि आपको उसको आपके पास से हटा देना है, लेकिन आपको वो दुश्मन आपको ज़्यादा अटैक करने का चांस रहता है, तो उसको अगर मारना है आपको तो उस टाइम आपको क्या करना है, ये धक्का नहीं देना है, उस टाइम आपको तुरंत ही मारना है। ये देखिए ये आ गया, तो उस टाइम इस हाथ को यूज़ करना है, ये इस हाथ को ऐसे यूज़ करना है, ये जो आएगा इस हाथ से ब्लॉक नहीं देना है, इस हाथ से ऐसे रहेगा, ये से पकड़ लेना है, ये यहाँ पर तुरंत पास। अगर बाएं हाथ से आ गया, बाएं हाथ से ये यहाँ तुरंत पास, ये आ गया, इधर से ऐसे ब्लॉक करना है, साइड से पंच करना है, इधर आ गया थोड़ा सा हिलना है, इधर पंच करना है। ये हो गया तीन नंबर टेक्निक्स। आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो ये टेक्निक्स अच्छा लगा होगा। तो हम लोग ऐसे वीडियो आप लोगों के लिए डेली लाते रहेंगे और ऐसे ऐसे अच्छा वीडियो आप लोग ये बनाते रहेंगे। आप लोग भी सीखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि अच्छा अच्छा वीडियो इस चैनल में और आने वाला है, और इससे भी ज़्यादा अच्छा अच्छा टेक्निक्स आप लोगों के लिए डेली लाते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना, बाय बाय।